बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 3 इठलाती बूंद करेंगे। तो पहले पाठ बताता हूँ मैं, क्या है उसमें। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। यह सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो इसकी सफरदा यहाँ समुंदर से लेके समुंदर में लहरा रही थी, लहरों पर झूल रही थी। उसके बाद सूर्य का ताप इसके ऊपर गिरता रही है, भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, फिर संघनन बन जाता है, संघनन से बादल बन जाते हैं, बादलों में आ जाती है वो, और बादलों से वर्षा के रूप में बूंद फिर खेतों और बागों में आ जाती है। बागों में आम के बागों में आती है और आम की जड़ के पास गिरती है। जड़ से वो तने में और तने से शाखा में, शाखा से फूल और फल लगते हैं। जहाँ आम लगते हैं वहाँ पहुँच जाती है और रसीले आम पककर तैयार हो जाते हैं और किसान खुशी से झूम उठता है और बाजार में बेचने जाता है तो हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये था इठलाती बूंद का सफर। इस पे एक छोटी सी कविता है, वो भी तुम्हें सुनाता हूँ। कविता में इठलाती बूंद का सारा सफर समुद्र की लहरों से लेकर आम के रस तक का बताया गया है, तो पढ़ के सुनाता हूँ मैं। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों में रही थी झूल, इन लहरों में रहकर वह बरसना गई भूल। सूरज की किरणों की गर्मी से लगा जब ताप, आसमान में उड़ गई बनकर वह भाप। बादलों के संग मिलकर वह देश देश रही घूम, पर्वतों की ऊंची चोटियों को उसने लिया चूम। उसको बागों में नजर नहीं आया एक भी फूल, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों में रही थी झूल। उदास हो देखकर खेत व बगीचे बाग, फिर वह बरसने का अलापने लगी राग। जब किसान आसमान को रहा था निहार, तब नन्ही सी बूंद बरस कर ले आई बहार। सभी बाग व खेत हो गए ठंडे ठंडे व कूल कूल, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों में रही थी झूल। अंत में एक दिन वह बरस गई आम के खेत में, आम की जड़ के पास गिरकर मिल गई रेत में। जब जड़ से तने द्वारा पहुंच गई आम के फल में, आम के रस में मिल गई पल में। मीठे रसीले आम होते नहीं चुभती कोई सूल, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों में रही थी झूल। किसान खुश हुआ जब देखे आम रसीले, हाथों हाथ बिक गए आम थे पीले पीले। ये जो चूसते हो तुम आम रसीला, इसी में छुपी है इठलाती बूंद की लीला। इठलाती बूंद की थी यही कहानी मूल, नन्ही सी बूंद सागर की लहरों में रही थी झूल, इन लहरों में रहकर वह बरसना गई भूल। तो ये थी इठलाती बूंद।